जी, तो नेक्स्ट हमारा जो इसमें टॉपिक है वो है जी मेल मेटिंग कॉस्ट जो है वो असल में एक्चुअली टॉपिक है। असल में बात ये है कि बैटमैन ने ये कहा कि फ़ीमेल की ज़्यादा इंपॉर्टेंस है गैमेट प्रोडक्शन के हवाले से, क्योंकि वो पेरेंटल रोल भी प्ले करती है। तो इसके बाद में फिर मेल मेटिंग कॉस्ट पे बात हुई, तो इसका मतलब ये है, ये थर्ड लाइन पे आप देखेंगे, ये साइमन वगैरह ने काम किया। दे आर क्विक टू पॉइंट आउट दैट गैमीट फॉर गैमीट यानी स्पर्म्स आर वास्टली स्मॉलर एंड चीपर टू प्रोड्यूस देन एग, स्पर्म्स आर प्रोबेबली नेवर पास अलॉन्ग एट वन टाइम। तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसी बात नहीं है, स्पर्म्स की भी अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन अब स्पर्म्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं जिस पे मेल को कॉस्ट पे करनी पड़ती है। अगर आप ये बात कहें कि मेल जो है वो उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो ये ऐसी बात नहीं है। इसमें ये देखें, ये कहते हैं कि ये द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द स्पर्म्स, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द स्पर्म्स इन अ ग्रुप विद एसेसरी फ्लूड, आपको पता है सीमन जो होता है उसमें स्पर्म प्लस एसेसरी फ्लूड होता है, मे लिमिट द रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द मेल्स यानी मेल में रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ग्रेजुअली कम होता हो जाता है, होता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जितनी दफ़ा मेटिंग ज़्यादा करते हैं उसमें उनके अंदर जो ये फ्लूड प्रोड्यूस होता है, इससे उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है, एबिलिटी टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, वो ग्रेजुअली कम होता है। तो ये जो उनकी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल कम हो रहा है, ये उन्होंने कॉस्ट पे की है फॉर प्रोड्यूसिंग द गैमेट्स। ठीक है जी, ये बात असल में हम करना चाह रहे हैं। अब कहते हैं हमने एक एग्जांपल देखी है, ये जो क्रिकेट्स हैं आपको पता है ये इंसेक्ट होते हैं, इसमें कहते हैं जो हमने देखा है कि मेल जो हैं स्मॉलर मेल उनके अंदर स्पर्मेटोफोर की तादाद ज़्यादा होती है। ठीक है ना, ये देखें ज़रा, द कॉस्ट ऑफ स्पर्मेटोफोर प्रोडक्शन और रिलेटिवली ग्रेटर फॉर अ स्मॉल मेल एज कम्पेयर टू द लार्जर वंस, जो बड़े मेल होते हैं उनकी नहीं, उनके कंपैरिजन में फीमेल जो मेल जो छोटे साइज़ के होते हैं वो ज़्यादा स्पर्मेटोफोर प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन वो इसलिए प्रोड्यूस करते हैं, या कि उसने इसको एक्सप्लेन किया है, ड्यू टू द इंक्रीज इन रिफ्रैक्टरी पीरियड बिटवीन द मेटिंग यानी एक मेटिंग के बाद काफ़ी टाइम के बाद वो दोबारा मेटिंग करते हैं। ठीक हो गया, तो वो जो टाइम स्पेन है बीच में ये उनका क्या है, कॉस्ट है। देखे ना, स्मॉल मेल ऑफ द फील्ड क्रिकेट द कॉस्ट ऑफ स्पर्मेटोफोर प्रोडक्शन अपीयर टू लिमिट देयर नंबर ऑफ मेटिंग, लिमिट द नंबर ऑफ मेटिंग, क्योंकि उनको कॉपुलेशन के टाइम कम मिलता है, तो यानी कॉपुलेशन के चांसेस कम मिलते हैं, उनकी मेटिंग के दरमियान काफ़ी टाइम होता है, इसलिए वो स्पर्मेटोफोर ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो बताने का मकसद ये हुआ कि वो स्पर्मेटोफोर अगर ज़्यादा इसलिए प्रोड्यूस कर रहे हैं कि उनको मेटिंग टाइम कम मिल रहा है, तो ये उन्होंने कॉस्ट पे की है। इसी तरह से एक और एग्जांपल दी है, ये कहता है कि ये जनाब ये जो इन द स्पीशी ऑफ द स्टॉक आई फ्लाई, ये कोई मक्खी है, इसमें उन्होंने देखा है द हाई कॉस्ट ऑफ स्पर्मेटोफोर प्रोडक्शन पर्टिकुलरली दोज आर रिलेटेड विद द सेक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स रिड्यूस द लाइफ स्पैन इन द मेल्स यानी मेल्स में विद हाई मेटिंग रेट, वो मेल जो ज़्यादा मेटिंग करते हैं उनका लाइफ स्पैन कम हो जाता है। ठीक है ना, तो ये लाइफ स्पैन का कम होना उनका क्या हो गया, कॉस्ट होगी जो मेल पे कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये एक एग्जांपल और भी है, ये भी आपने पढ़नी है, और ये इंटरेस्टिंग एग्जांपल है आगे भी है कि इसमें ये देखें, कहता है कि इन द मेल डियर माइस, माइस के अंदर द मेल हाँ द स्पर्म काउंट डिक्रीज इन द सक्सेसिव इजैकुलेट्स एंड काउंट रिमेन डिप्रेस्ड फॉर एटलीस्ट वन डे। ठीक हो गया, तो यानी वो मेटिंग के लिए उनका क्या होगा, जितनी देर ज़्यादा वो मीटिंग करेंगे उनका स्पर्म काउंट कम होता जाएगा। तो ये तीन चार एग्जांपल हमने देखी हैं जिसमें वो क्या हमें बताना चाह रहा है कि मेल मेटिंग कॉस्ट जो है, ये जो आपका टॉपिक है मेल मेटिंग कॉस्ट एंड सेलेक्टिविटी, मेल की मेटिंग कॉस्ट जो है वो मेल को पे करनी पड़ती है। बैटमैन ने कहा था कि मेल की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, वो फीमेल का जो एग है वो एक्सपेंसिव होता है क्योंकि वो उसमें फुल ऑफ एनर्जी और फुल ऑफ न्यूट्रेंट्स होता है, एनर्जेटिक एग होता है, तो इसलिए। लेकिन बाद में उसका आइडिया रिवाइज हुआ तो पता चला कि मेल जो है वो भी मेटिंग कॉस्ट पे करते हैं। ठीक हो गया जी, इसको आपने रीड करना है, ये मैं देख रहा हूँ आपने पिछले टॉपिक भी कोई रीड नहीं किया, इसको पढ़ें आप। अब नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह जो भी है इसका हिस्सा वो है फीमेल बिहेवियर का। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन हो तो आपके क्वेश्चन, यू आर वेलकम।